CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम ताजमहल करिश्माए कारीगरी। ये कौन पाक रूह खड़ा सफेद पोश मिसाल इश्क हसीन ताज महल हसीन ताज महल। दुनिया में सबसे खूबसूरत इबारत या अमिट रोमानी इश्क की दास्तान का जिक्र होता है तो सबसे पहले तसव्वुर में आता है बेमिसाल ताजमहल। बेगम बेगम कहाँ हैं आप? देखिए हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? हमने तो आपके दिल में घर बनाया है, हमेशा यही मिलेंगे। बेगम यह अमर दास्तान है इश्क की जिंदा निशानी की, एक मजारे उल्फत की, एक जज्बे की शिद्दत की, इश्क की इंतहा की, एक मोहब्बत में शराबोर शहंशाह की और अपने महबूबा के इंतजार की, और इन सब से ऊपर ये दास्तान है एक वादे को वफा करने की। किस मोहब्बत का है नगमा ये हंसी ताज महल, ये आईना कोई देखे दिखे मुमताज महल। सन 1631 इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1040 हिजरी मध्य भारत के दक्कन में बुरहानपुर के नज़दीक जंग के कैंप के टेंट के अंदर रात का आखिरी पहर शाहजहां की बीमार तीसरी बेगम मुमताज महल आखिरी सांसें गिन रही थीं। मुमताज बेगम, शहंशाह हिंद को इतना कमजोर तो न जाना था। मेरी सरताज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुमताज मुमताज इत्मीनान रखो, घबराओ मत, शाही हकीम वजीर खान की दवा आपको जरूर आराम पहुंचाएगी। शाही हकीम आलम पना, मैं एक बुझने वाली शम्मा हूँ। ऐसा ना कहो मुमताज, ऐसा ना कहो। नहीं या खुदा, मेरी सरताज, क्या मेरी दुनिया से जाने के बाद भी आप मुझे याद करेंगे? बेगम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब तक ये दिल धड़कता रहेगा आप हमेशा इस दिल में ही रहेंगी। बहलाना तो कोई आपसे सीखे तो कहिए ना,
आप ही कहिए, आपके दिल की तसल्ली के लिए हम क्या करें? हम तो बस इतना चाहते हैं, जहां भी आपके कदम पड़े उस जमीन की खाक हमें नसीब हो। मुमताज, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम आपके सिर की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी मोहब्बत की यादगार, प्यार का एक महल बनवाएंगे जिसकी मिसाल इस दुनिया में दूसरी ना होगी। खुदा कहे बस आप ठीक हो जाए। ये ही मेरे बस में नहीं, बस एक ख्वाहिश है कि मेरी याद में आप जो कुछ भी बनवाएं, मेरी कब्र भी उसी में बनवाइएगा, जहां कयामत तक आपका पुरसुकून इंतजार कर सके। बेगम, हम आपको कॉल देते हैं, कॉल देते हैं आपको बेगम। मुमताज की मौत ने शाहजहां को मायूसी के सागर में डुबो दिया। उनकी आंखों से उदासी के आंसू छलकते रहते थे। शाही शायर लिखते हैं कि एक रात में शाहजहां के सारे बाल सफेद हो गए थे। सल्तनत के काम में भी उनका दिल नहीं लगता था, लेकिन अपनी बेगम को दिया अपना कौल वे भूले नहीं थे। एक दिन शहंशाह शाहजहां आगरा के लाल किले की मुसम्मन बुर्ज पर खड़े दूर दूर तक अपनी निगाहें घुमा रहे थे, और वजीर आजम को भी वहां पहुंचने का पैगाम भेजा जा चुका था। यही ठीक है, ये पुरसुकून जगह, ये खुला आसमां, यही ठीक है। जहां पना, यही ठीक है। जहां पना, वजीर आजम आप? गुस्ताखी माफ जहां पना, हुजूर किसी गहरी सोच में डूबे मालूम दे रहे हैं। वजीर आजम, हुजूर यहां आइए जी। वो देखिए, वो हमारे ख्याल में यमुना के किनारे यहां से तकरीबन एक मील मगरिब में वो जगह ठीक रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे ख्वाबों की इमारत उसी जगह पर बने। बेशक, जगह हर तरह से मुआफिक है। और हाँ, उन काबिल वास्तुकारों
शिल्पकारों, संगतराशों और फनकारों तक हमारा पैगाम तो पहुंचा दिया था ना आपने? हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक सभी यहां पहुंच चुके हैं और आपके दीदार के तलबगार हैं। तो आप अभी उन सबको बाइज्जत दीवाने खास में बैठाइए वजीर आजम। हम फौरन बिना वक्त जाया किए उनसे मिलना चाहेंगे। जी आलम पना, बंदे को इजाजत दें, जहां पना का इकबाल बुलंद हो। अब्दुल हमीद लाहौरी, जो सुपरिंटेंडेंट आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेज बादशाह नुमा में ताजमहल की तामीर का ब्यौरा दिया है। उनके अनुसार देश विदेश से अपने अपने फन के माहिर कलाकारों को बुलवाया गया था। तजुर्बेकार मीर अब्दुल करीम और पर्शिया के मुकर्रमित खान इस इमारत की तामीर के दो सुपरवाइजर थे। उस्ताद अहमद लाहौरी तो मुख्य शिल्पकार थे ही। तुर्की से इस्लामी बुर्जों को बनाने वाले इस्माइल अफंदी, कई कलाओं के माहिर उस्ताद कादिर जमा खान, एक उम्दा संगतराश आमिर अली, इराक के वास्तुकार उस्ताद ईसा, लाहौर के मशहूर सुनार कासिम खान, दिल्ली के शिल्पकार चिरंजीवी लाल, ईरान के कैलीग्राफर अमानत खान और मुख्य मिस्त्री मोहम्मद हनीफ क्रिएटिव टीम के मुख्य सदस्य थे। शाहजहां बार बार इन फनकारों से मिलते, बहस करते, अपने सुझाव देते और उनसे सलाह लेते। तो उस्ताद अहमद लाहौरी। जी जनाब। क्या आप अपने साथ कुछ नमूने भी लाए हैं? जी जहां पना, लेकिन कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बेखौफ कहिए। जहां पना, बस यही कि आप कैसी इमारत चाहते हैं, जैसे कोई मीनार वगैरह? नहीं अहमद मियां, नहीं, मीनारें तो दुनिया में बहुत हैं। हिंदुस्तान में भी कुतुब मीनार जैसी आला इमारत बनाई जा चुकी है। जी आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, तो कोई बुर्ज वाली इमारत बनाई जाए? हाँ, बुर्ज तो होना ही चाहिए, बुर्ज तो मुगल सल्तनत की पहचान है। जी तो ये देखिए, ये वाला नमूना। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। आप हमारे ख्वाबों को समझने की कोशिश करें। हमें इमारत नहीं, मुगलिया आन का आईना चाहिए, सुकून की तस्वीर चाहिए, तस्वीर जो मुगल सल्तनत की पहचान हो। हुजूर, धीरे धीरे आपके ख्वाब अब हमारी आंखों में भी उतरने लगे हैं। जरा और खोलकर बयां हो जाए तो हमें समझने में आसानी होगी, क्यों चिरंजीवी लाल जी? एकदम ठीक कहा जनाब। मुगलिया वास्तुकला का जो रूप बादशाह सलामत को चाहिए, उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें आपकी परेशानी का इल्म है। हम चाहते हैं एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो बहुत ऊंची ना हो, बल्कि चौकोर हो, उसके चारों ओर चार मीनारे हो, बाग हो जिसके बीच से गुजरती हुई नहर हो। हम चाहते हैं एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो रूहानी सुकून और अमन से सरशार हो। जो इमारत ना हो बल्कि मोहब्बत की इबादत हो। वाह, बहुत खूब, क्या खूब तसव्वुर है जनाब का। वाह, जहां पना आप मेरे काम में कोई कमी पाएं तो बेशक मेरे हाथ कटवा दें। उस्ताद लाहौरी, हम आपकी कद्र करते हैं। हमने आपको यूं ही नहीं नादिरुल असर के खिताब से नवाजा है। शुक्रिया जहां पना। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। इमारत में पत्थर कौन सा इस्तेमाल किया जाए? जिस इमारत का ख्वाब हमने देखा है उसके लिए लाल पत्थर बहुत मुनासिब नहीं लगता। फिर तो
सफेद संगमरमर ही सबसे अच्छा रहेगा। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन जहां बना उसकी कीमत बहुत होती है, खर्च बेइंतहा पड़ जाएगा। खर्चा चाहे जितना भी हो, लेकिन हमारी मरहूम बेगम की यादगार के आगे किसी चीज की कमी ना हो। जो हुक्म आलीजा। जिस सामान की भी जरूरत हो वो किसी भी कीमत पर मंगवाया जाए। जी हुजूर। फिर वो सामान चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलता हो। हुक्म की तामील होगी जहां बना। एक दो नहीं, बार बार शाहजहां ने फनकारों के साथ बैठकें की, अपने सुझाव दिए, तब इमारत के एक एक पहलू को अपनी मंजूरी दी। आखिर बेगम की मौत के एक साल बाद सन 1632 में ताजमहल की तामीर का काम शुरू हो गया। अपने सर्वश्रेष्ठ काम को अंजाम देने में कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं संगमरमर का किनारा टूटा हुआ है? इसे दूर फेंको और साबत पत्थर लाओ। लकड़ी के बड़े शहतीरों को लाने में लगभग 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया। सैकड़ों घोड़ों, खच्चरों और बैलगाड़ियों को सामान ढोने के काम में लगाया गया। दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 20,000 कारीगरों की मेहनत से ये शाहकार वजूद में आया। सन 1653 में लगभग 21 वर्ष में इमारत तैयार हुई। अब ताजमहल का नायाब हुस्न बेपर्दा था और शहंशाह शाहजहां उस इमारत का दीदार कर सकते थे जिसमें गमों मोहब्बत के चढ़ते उतरते रंग नक्काशी में पिरोए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान तेरी रहमत से आज हम अपनी मरहूम बेगम को दिया गया अपना कौल पूरा कर सके। जहां बना, आपके जहन में इसका कोई नाम है? नाम तो बहुत अरसे पहले से हमारे ख्यालों में है। ये इमारत हमारी बेगम की याद है, इसलिए यकीनन उन्हीं के नाम पर इस इमारत का नाम होगा। ये हमारी मुमताज महल का ताज महल होगा। आमीन। बहुत शानदार तस्वीर है जनाब का। वाह, ताज महल। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ताजमहल के चारों ओर का ये बाग, ये चमन, मानो मानो जन्नत का नजारा है। ये ताजमहल नहीं, हमारा ख्वाब ही है। मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं आप। यही है जहां पना। कहिए, हम तो इस बेनजीर खूबसूरती में कुछ देर के लिए खो ही गए थे।
ये देखे जहां बना, ये है इसका सदर दरवाजा। वाह। بسم الله الرحمن الرحيم بلند عراقی فن سے سجا بہترین نقاشی کے ساتھ اس دروازے کی شان ایسی معلوم ہوتی ہے مانو وہ بہشت کا دروازہ ہو رب العالمین صدق اللہ خوبصورتی بے مثال آمین یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں جی جہاں بنا لیکن یہ اوپر کچھ بڑے آکار میں لکھی گئی ہیں اور نیچے کچھ چھوٹے آکار میں جہاں بنا مزار پر نستعلیق نقاشی استاد امانت خان کے اعلیٰ دماغ کا کمال ہے جیسے جیسے دیکھنے والے سے محراب کی دوری بڑھتی جاتی ہے لفظوں کا آکار بھی بڑھتا جاتا ہے بہت خوب ایسا اس لیے کیا گیا جہاں پناہ کہ نیچے سے اوپر دیکھنے پر بھی سبھی آیتیں اور الفاظ ایک ہی آکار کے دیکھیں کیا بات ہے قرآن شریف کی آیتوں نے تاج محل کو اور بھی روحانی بنا دیا ہے और देखिए पूरे आधार पर यह विशाल गुंबद है जो आपके हुक्म से खालिस सफेद संगमरमर से बना है। बहुत खूब। और इस गुंबद जैसी ही ये चार छतरियां तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही हैं। जी हुजूर। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई लग रही है। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। हाँ? जी हुजूर, हमारे फनकारों ने ऐसा जानबूझकर ही किया है, अकलमंदी से। दरअसल बात यह है कि यूं तो मीनारों की मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसा दावा है कि हजारों साल तक इन्हें कोई हिला भी नहीं सकेगा, लेकिन हुजूर फिर भी कुदरत का कोई कहर टूटा और ये मीनारें गिरी भी बाहर की ओर गिरेंगी और उसका फायदा यह होगा कि ताजमहल का यह गुंबद जो इसकी और मुगलिया वास्तुकला की पहचान है यह तब भी सलामत रहेगा। जी हुजूर। यह तो वाकई दूरंदेशी है। जी, जरा नवासी का शुक्रिया। आइए जहां बना, अब अंदर चलें। ये आप हमें कहां ले आए हैं? इतना आलीशान, वाह! और ये बेल बूटे कितने खूबसूरत हैं। रोज ताजा फूलों को सजाने से बेहतर है ये कुदरती रंगों से बने हुए फूल। हम यही चाहते थे। जरा अफसाई का शुक्रिया जहां बना। अच्छा, ये इतने जवाहरात आपने कारीगरों को मुहैया कहां से करवाए? हुजूर, जैसा आप जानते ही हैं। और वजीर आजम ने शाहजहां को बताया कि नक्काशी में रंगों का नहीं बल्कि कई तरह के हीरे, फिरोजा, पन्ना, नीलम आदि दो दर्जन से भी अधिक तरह के रत्नों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें चीन से क्रिस्टल और लंका से रूबी मंगवाए गए, बगदाद से कार्नेलियन, अरब से बेहतरीन कोरल, यमन से अगेती, पर्शिया से ऑनिक्स, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से कई नायाब कैलिकेडोनी, रूस से गहरे हरे रंग के मेलाचाइट और सुदूर मिस्र की नील घाटी से लाए गए कैट्स आई पत्थर, उत्तरी अफगानिस्तान के पहाड़ों से मंगवाए गए किनारों पर सोना जड़े गहरे नीले रंग के लेपिस लजूली, यही नहीं उत्तरी तिब्बत से याकों पर लाद कर लाए गए टर्क्वाइस, पंजाब से जैस्पर, बुंदेलखंड से गेनुइट, ग्वालियर से लाए गए लोडेस्टोन और जैसलमेर के व्यापारियों ने दिए हीरे। ये सुनकर शाहजहां रुक ना सके।
वे बोले, वाकई ताजमहल को बनाने में सभी उस्तादों और कारीगरों ने बेहद उम्दा काम किया है। हमारी जानिब से उन सभी को बेशकीमती तोहफे दिए जाएं और हमारी रियाया के लिए भी ताजमहल के दरवाजे खोल दिए जाएं। जी जहांपनाह, हुक्म की तामील होगी। अब हम कुछ लम्हे यहीं इसी जन्नत में गुजारना चाहते हैं। तखलिया। जी आलमपनाह। मुमताज, हमने अपना कौल पूरा किया। अब देख रही है ना, अब कहाँ है मुमताज? हमने तो आपके दिल में घर बनाया है, हमेशा यही मिलेंगे। बेगम, हमने अपना कौल पूरा किया। शाहजहां का ताजमहल बनाने का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन इसका सुख शायद उसकी किस्मत में न था। 65 वर्ष के बुजुर्ग शाहजहां को उसके अपने ही सत्ता लोलुप बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया और आगरा के लाल किले में नजरबंद कर दिया गया। और फिर वही मुसम्मन बुर्ज जहां खड़े होकर उन्होंने मुमताज महल के लिए जगह चुनी थी, उसी जगह खड़े होकर आखिरी बार उन्होंने डबडबाई आंखों से ताजमहल को एक झरोखे में से निहारा। मुमताज गुजर गई, शाहजहां भी गुजर गए, लेकिन जब तक ताजमहल है उनकी अनूठी दास्तान इश्क हमेशा जिंदा रहेगी। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जब पहली बार ताजमहल को देखा तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, Only let this one teardrop, the Taj Mahal, glisten spotlessly bright on the cheek of heaven forever and ever. Kis tilasm ishq ne hai le कुदरत के रुख सार पर। ताजमहल करिश्माए कारीगरी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भाषा परामर्श डॉक्टर नुमान खां और डॉक्टर चमन आरा, कलाकार जितेंद्र राम प्रकाश, सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, राजश्री त्रिवेदी, राजेश आहूजा, किशोर सहजानी तथा मोहम्मद आलम खां, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर देवाशीष और अनुजा बिसारिया, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी और बटिलैंग लिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।